करता हूँ, जो भी चीज करता हूँ डायरेक्टली करता हूँ, और जो भी मैं करता हूँ सबके सामने जो खुल्लम खुल्ला है वैसे ही मैं करता हूँ। तो मैं आपको लीगली प्रैक्टिकली हम लोग क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए उसके बारे में आपसे पहले की बात करता हूँ। और मीडिया में यहाँ पे है जो मीडिया में लोग समझते हैं, क्योंकि ये सब जो हम लोग बात करते हैं ये यूट्यूब पे जाएगा, फेसबुक पे जाएगा, ट्विटर पे जाएगा, तो ये ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा। और जब ऑन रिकॉर्ड कोई पब्लिक लीडर बोलता है तो उसके बाद आप जानते हैं कि हम लोगों को क्या प्रमोशन होना चाहिए। ये मेरा ऑफिशियल पोजिशन है। आज जो मैं बोलने वाला हूँ ये पूरा मौका का भी ऑफिशियल पोजिशन है। मुझसे पहले मेरे प्रेसिडेंट ऑनरेबल टू विजय कुमार राठौर ने बात की है। अब मैं आपको अपना ऑफिशियल पोजिशन बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जो आपका टेलीविजन है 10/23 का, उसमें टेक्निकली जहां तक मैंने पढ़ा है टेक्निकली आप लोग ये सब पार्टी भी नहीं है। और ये बात आरटीआई एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ने हमें पाया कि वो भी ये भी बोलता है कि टेक्निकली आपको इस मामले में घसीटा गया है, ये एक्चुअली कुछ और था लेकिन आप लोगों को इस मामले में घसीटा गया है कि जो आपने सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई पाया है उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि this is the state of Tripura versus Tamil Nadu and others, etc. तो पहला बात है कि ये जो आपका टर्मिनेशन है उसको आपको चैलेंज करना पड़ेगा लीगली कि जो ऑर्डर दिया गया है उसमें आपकी कोलैटरल डैमेज जो है गवर्नमेंट अगर चाहता है तो आपके बिहाफ में गवर्नमेंट भी ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है। जीते या हारे वो सुप्रीम कोर्ट को जज डिसाइड करे, लेकिन गवर्नमेंट के पास एक राइट होता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजंस ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट हैज अ राइट challenge the order of the Supreme Court saying that the real party has not been agreed. You have been indirectly, आप लोगों को indirectly इसमें ताना दे रहे हैं, actually इसमें आपका कोई गलती नहीं है। इसमें मुझे मालूम नहीं कि आपने कोई लीगल ओपिनियन दिया है कि नहीं दिया है, आपने कोई लीगल ओपिनियन दिया है, लॉयर से बात किया है आपने, बात हो रहा है, आपने कोई लॉयर से बात किया है, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं ये मैटर पे एक लीगल ओपिनियन दे देता हूं, दिल्ली में कोई टॉप लॉयर है, लेकिन आप लोगों को, आप लोगों को दो या तीन लोगों को मेरे साथ दिल्ली जाना पड़ेगा, वहां में 5-6 दिन बैठना पड़ेगा, मैं अपॉइंटमेंट दिलवा दूंगा और एक लीगल ओपिनियन देना चाहिए कि ये मैटर को हमें कैसे चैलेंज करना है। ये पॉइंट नंबर वन। लेकिन आप भी जानता है, मैं भी जानता हूं कि कोर्ट में मामला 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल अगर चल रहा तो आपका परिवार कैसे चलेगा? बहुत लोग डिप्रेशन में है, 135 लोग मर भी गए, तो
मैं जानता हूं कि कोर्ट के केसेस में आप कितना थक जाएंगे। मेरे पिताजी किरण विक्रम पूरा जिंदगी केस फाइट आपने ही जिंदगी की है, नील महल हो या हमारा कोई भी प्रॉपर्टी हो, फाइट करते रहा करते रहा करते रहा। आखिर में मेरा फादर भी दुख डिप्रेशन में आया, वो भी नहीं रहा। आज की हम लोग कोई केस फाइट कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि अपने ही जमीन को लेने के लिए, जैसे आपका नौकरी है, आप अपना ही नौकरी लेने तक आप वेट करते करते इंतजार करते करते आप जिंदा भी नहीं रहे, मेरे पिताजी भी मर गए, उनको भी कुछ रिलीफ नहीं है। क्योंकि और आप जानते हैं 10 साल 15 साल करेंगे और भी ज्यादा, तो इसमें की प्रार्थना करें। दो चीज आप समझ लो हम के लिए बोल, एक लीगल रास्ता जो हमको लीगल लेना चाहिए, उसके लिए मैंने कहा है कि आपकी ये 4 लोग मुझे दीजिए, मैं आपको दिल्ली ले जाऊंगा, मैं आपको अच्छी लॉयर से मिलवाऊंगा और लॉयर का जो फीस है वो भी मैं अपने पॉकेट से डाल दूंगा। वो एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि हम लोग क्या कर सकते हैं एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिशियली मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर इकरा मकरा नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट में आता है तो हम लोग आप सब टीचर्स को कोई ना कोई तरीका निकाल के ब्यूरोक्रेसी से बात करके कुछ ना कुछ सिस्टम बनाकर आपको हम लोग नौकरी वापस देंगे। सिस्टम में पैसा है लेकिन सिस्टम हम लोग को मौका नहीं दे रहा है कि प्रचार को मौका ही नहीं दे रहा। अगर आज एबीसी में हमारा पुलिस बिल पास हो जाए, बिल पास हो गया ऐसा नहीं है तो आज हम 2000 की प्रशासन नौकरी दे सकते। अगर हमारा एजुकेशन में स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम आपको साल का स्कूल के लिए इंप्रूव करने के लिए हम आपको 50 करोड़ देंगे, हम अभी ना अभी आपको नौकरी देंगे, लेकिन हम आपको नौकरी दे सकते आपको सैलरी नहीं दे सकते, तो इसलिए हमको स्टेट में भी आना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, आपका जो दुबारा है ईमानदार आदमी है, मैंने जो भी मुद्दा उठाया मैंने उसको फॉलो किया, मैंने माधव गांधी में जिसको गोली लगा मैंने उनको नौकरी दी है, विशेष जी देवर आपको हेल्प किया परिवार को, मंत्री राम पैकेज को हेल्प किया, केजरीवाल चाहता को हेल्प किया। और अगर मेरे पास पावर आ जाए स्टेट का तो मैं जानता हूं कि सबसे पहले मैं कॉन्ट्रैक्टर को रुपये नहीं देने वाला हूं, मैं कोई इंजीनियर को रुपये नहीं देने वाला हूं, मैं आपको आपका नौकरी देने वाला हूं। मैं ये सिस्टम बहुत खराब है, ये सिस्टम आपके लिए नहीं है, ये सिस्टम आपको गरीब रखने के लिए बनाया गया है। मैंने देखा है ये डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम है, जब तक आप लोग गरीब रहेंगे तब तक शहर में जो बैठे हैं वो आपको नौकर बना के रहेंगे। जिस दिन आपके पास 20-25-30-40 हजार का नौकरी आ गया तो आप अगर तला जाकर नौकरी का काम नहीं करेंगे तो उनको लेबर नहीं मिलेगा, और जब उनको लेबर नहीं मिलेगा तो उनका घर कैसे चलेगा। तो उनके एजेंडा में पूरा क्लियर है कि जो शहर से बाहर है उनको गरीब रखो, क्योंकि अगर उनके पास पैसा आ गया है तो हमारा घर का चूल्हा कैसे चलेगा, हमको नौकर कैसा मिलेगा, हमको चीप लेबर कैसा मिलेगा।
ये डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम है। अगर गांव में भी आपको अगर तला नहीं, अगर तला से ही बाहर में आपको नौकरी मिल गया और आपके पास महीने का 25-30 हजार रुपये का सैलरी है, तो आपको अगर तला जाकर नौकरी ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप अपना बच्चा को अच्छा स्कूल में भेज सकते हैं, आप अपने माँ बाप को हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, आपके पास पैसा भी रहेगा बचाने के लिए, आपके पास मोटरसाइकिल आ जाएगा, किसी के पास छोटा सा गाड़ी आ जाएगा, आपके ही गांव में आपका इकोनॉमी बढ़ जाएगा। तब आपको अगर तला नहीं जाना पड़ेगा। तब अगर तला में जो लोग बैठे हैं उनको लेबर कहाँ मिलेगा? तो आपको पीछे रखो, ये डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम है। और मैं जानता हूं अगर हमको प्रसाद को या एससी को या कोई भी गरीब आदमी को उठाना है तो सबसे पहले उनको जॉब सिक्योरिटी मिलना चाहिए। जॉब सिक्योरिटी जब तक आपको नहीं मिलेगा आपका कुछ नहीं मिलेगा। मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूं, ये स्पीच को बोलते ना घुमा घुमा के चलाओ, इसको घुमा घुमा के चलाओ। आप प्राइवेट सेक्टर में देखते हो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में देखते हो, अगर 100 नौकरी कोई कंपनी ने दिया है तो एससी की प्रसाद एसटी ये कोई 4,000 का हो कितना हो 2-3% मैक्सिमम 5%। और गवर्नमेंट का एक ही उद्देश्य है सब चीज को प्राइवेट कर दो, सब चीज को प्राइवेट कर दो। थोड़े दिन के बाद गवर्नमेंट जो आपका रेजोल्यूशन है ना, जो आपका जो कोटा है, कोटा तो रहेगा लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास इंस्टीट्यूशन ही नहीं है आपको नौकरी देने के लिए तो आपको करना क्या करेंगे? आस्ते आस्ते सब चीज को 2 या 3 या 4 कंपनी को दिया जाए। एयर इंडिया चला गया, थोड़े दिन के बाद आप ओएनजीसी गेल को भी प्राइवेटाइज करने का सोचेंगे, थोड़े दिन के बाद आप टूरिज्म को भी आप हटाकर कहीं और कोचिंग कंपनी को दे देंगे, कहीं में आप एलआईसी को डिवैल्यू करेंगे। तो कॉलेजेस को आप देखें, हम लोग यहाँ पर हमारा में है, अगर कला के बाहर कोई यूनिवर्सिटी नहीं आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दे देंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर कोई कंपल्शन नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो 31% आपको दे, 80% एससी को दे। लेकिन कहां बनेगा वो हम लोग के लिए। मैं आपको एक ही बात बोल सकता हूं, मैं टॉपिक पे रहना चाहता हूं, 10,000 का टॉपिक रहना चाहता हूं। मैंने वो बात हमेशा कहा है आप एडीसी को इग्नोर करके एक टुकड़ा शेष टुकड़ा नहीं कर सकते क्योंकि एडीसी 70% है और आप 10,323 टीचर को अलग करके नहीं बोल सकते कि मैं त्रिपुरा में सबको नौकरी देना चाहता हूं, मैं उन्नति चाहता हूं कि 10,323 भी त्रिपुरा का एक सिटीजन है, उनको भी अधिकार है कि उनका नौकरी। मैंने जो बोला ठीक बोला कि गलत और मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मैं ये क्यों करना चाहता हूं क्योंकि मैं आपका इकोनॉमी को बढ़ा रहा हूं। वर्ल्ड बैंक से 1300 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट आया नहीं, अनाउंसमेंट
रुपए का अनाउंसमेंट लोन देने का अनाउंसमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप 2000 पुलिस बिल का नौकरी जिसमें आपके साल का 24 से 25 करोड़ रुपए जाएगा डायरेक्टली पब्लिक को, उसका आप लोगों को पैसा देंगे क्यों? वो तो 1300 करोड़ आएगा ना, वो पैसा आपको नहीं मिल रहा, वो पैसा जाएगा बिल्डिंग बनाने के, वो पैसा जाएगा कॉन्ट्रैक्टर के पास, वो पैसा जाएगा नेता के पास, वो पैसा नौकरी बनाने के लिए है। हम बोल रहे हैं कि आप नौकरी दो, अगर आप नौकरी देगा तो आपको आपने बिल्डिंग में नौकरी किया था, बिल्डिंग देखकर आपका पेट भरता है, बिल्डिंग देख के आपका बच्चा स्कूल जा सकता है। हमने क्या किया है, बिल्डिंग बनाया है लेकिन हमने कभी भी वो पैसा से डायरेक्टली इंप्लॉयमेंट नहीं, सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। और मैं आपको बोलता हूं कि जब तक मेरा जो डिमांड भी है बेटे से पैदा है, क्यों स्टेट का बजट है 26,000 करोड़, एक साल पहले स्टेट का बजट था 21,000 करोड़, आपने स्टेट का बजट 21,000 करोड़ से 26,000 करोड़ किया है, एक साल के अंदर 5,000 करोड़ आपने ऊपर किया। एडीसी का बजट आपने 580 करोड़ से 82 करोड़ से 619 करोड़ किया है, 35 करोड़ आपने लगाया। स्टेट का बजट 5,000 करोड़ बढ़ा, एडीसी का 35 करोड़, और वो भी 35 करोड़ से जो बड़ा है वो एक टैक्स नहीं आएगा, चार चार भाग में आएगा। अगर कला का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो सिर्फ अगरतला का इतना छोटा अंग है और एडीसी 70% है, तभी भी अगरतला का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ज्यादा पैसा जाता है और एडीसी को कम पैसा जाता है डेवलपमेंट के लिए। तो क्या मैसेज है कि जो अगरतला में रहता है उसका जिंदगी ज्यादा कीमती है, और हम लोग जो गांव में बाहर में जो रुकू बरा लोग रहता है उनका जिंदगी का मूल्य कम है। मैं नहीं बोल रहा हूं, बजट बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। अभी यहां पर मुझे विश्वास है इनका परिवार है, कोई मंत्री एमपी अगर इनके घर में जाएगा तो इनको बोलेगा आपको अपना तबियत कराना है कंप्यूटर लैपटॉप में। वही एमपी वही मंत्री जब गांव में जाता है और अगर वहां पूछे नगर अगर मैं गांव में नहीं रहता गांव में रहता तो बोलता आपको अपने जिंदगी बनाना है, लो रबर का गाछ, लो बकरी, लो मुर्गी, सुअर का। तो जो गांव वाला है पूरा जिंदगी रबर का गाछ लगाएगा, सुअर पालेगा, बकरी पालेगा, और जो शहर में बैठा है उसको कंप्यूटर देता है, वो कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, वो बैंगलोर जाएगा। फिर से हमें क्यों बोला ये डिमांड सप्लाई, उनको चीप लेबर चाहिए, उनका सिस्टम में आपको गरीब रखने में उनको फायदा है क्योंकि उनको नौकरी चाहिए,
वो नहीं चाहता है कि आपका बच्चा कंप्यूटर इंजीनियर बने, वो नहीं चाहता है कि नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़े। समझे मैंने क्या बोला? ठीक बोला नहीं? 10,323 में 99% टीचर्स कहां के पढ़ाते हैं? गांव में पढ़ाते हैं। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो कहां से ज्यादा प्रॉब्लम होगा? अगर गांव में बच्चा लोग पढ़ा नहीं तो क्या करेगा? बकरी पालेगा, मुर्गी पालेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा तो लेबर आसान से मिलेगा। सिस्टम आपके साथ नहीं है, हाँ कि नहीं? ये कभी आपने सोचा? ये कभी आपने सोचा है? अगर टीचर कोई नौकरी निकाल दो तो टीचर गांव में पढ़ता है पढ़ाता है तो बच्चा भविष्य क्या होगा? ये सिस्टम बहुत खराब है। और आज ये प्रत्येक विक्रम मालिक ईमानदारी से सिस्टम को बदलना चाह रहा है। इसलिए बहुत बोलिए मैं एनिमी नंबर वन हूं, नंबर वन कुछ हूं। मैंने आज तक कोई कम्युनिटी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मेरा परिवार ने जगदीश चंद्र बोस को, रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग ने आदर दिया, बंगाली लैंग्वेज को हम लोग ने प्रमोट किया। हमने कभी भी बंगाली को नहीं कहा कि वो खराब है। आज तक मेरा एक ही स्टेटमेंट मैंने हाँ इलीगल इलेक्ट्रिक के बारे में बोला, लेकिन मैंने बोला जो भी इलीगल है, मैंने बोला नहीं बोला कि जाति धर्म में नहीं है, हिंदू मुसलमान कृष्ण में कभी नहीं किया। लेकिन मुझे ये लोग एक सिस्टम बनाया, लीगल हायरार्की नहीं करते, ये कम्युनल है। मेरा सबसे अच्छा अच्छा दोस्त बंगाली है, मैंने आज कम्युनल बात की। लेकिन ये पूरा सिस्टम को महाराष्ट्र के खिलाफ करो, रॉयल एनर्जी के खिलाफ करो, किसने बोला? बांग्लादेश किसने बोला बांग्लादेश को धर्मायित है? किसने बोला आलाय आलाय डिटेक्ट बिलीव रिपोर्ट? किसने बोला? नाम ही लेते हैं वो आज देश के लिए है, वो आज कम्युनल नहीं रहा। लेकिन जिसने आज तक ऐसा बात का भाषा का इस्तेमाल ही नहीं किया उसको आपने सबके सामने बोल दिया ये तो कम्युनल है। इनका मौका आया तो बंगाली को बांग्लादेश भेज दिया। ने कभी बोला नहीं ये बात, जिससे ये बात बोला वो उनके पार्टी में बैठा हुआ है और वो ठीक है और दुबारा खराब हो रहा है, क्योंकि दुबारा ईमानदारी से आपको नौकरी देना चाहता है, ईमानदारी से आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देना चाहता है, इसलिए हमको खराब हो
ये 10,323 से है, हाँ कि नहीं? आज तक कोई पार्टी ने एक भी 10,323 का कैंडिडेट को अपना एसएमपी में कैंडिडेट दिया है? मैंने क्यों दिया? मैं चाहता हूं कि ये एसएमपी में बैठे, मैं चाहता हूं कि एसएमपी में बैठे और ये आपका वाले भाग खुद एसएमपी में बैठकर बोले और मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, ये मेरा गारंटी है, कमिटमेंट है, यहां पर मीडिया के लिए, जिस दिन पिपरा मौथा का एमएलए एसएमपी में जाएगा वो दो या तीन चीज का बात हमेशा करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर ग्रेटर पीपल है, 10,323 और हम लोग का पोजिशन जो है कोई भी जाति धर्म के खिलाफ नहीं, उसको क्लियर। अब आपके ऊपर है, आप जानता है, और मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूं, सब लोग जानते हैं कि त्रिपुरा का महाराजा कभी भी कमजोर नहीं हो सकता, उसका परिवार कभी भी कमजोर नहीं हो सकता, जिसने त्रिपुरा सुंदरी बनाया, जिसने सुजा का मस्जिद बनाया, जिसने भूतों मंदिर बनाया, जिसने चर्च के लिए जमीन दिया, वो परिवार कॉम्युनिटी हो ही नहीं सकता। आप लोगों को ये मीटिंग के लिए मैंने निमंत्रण दिया, मैंने आपसे बात करने का मेरा मन था, आपको मैं एक बात मैंने ये भी बोल दिया है, पहला बात लीगल ओपिनियन आप लोग 5 से 6 लोग मेरे साथ आइए दिल्ली में, लीगल का खर्च मैं दूंगा, आप लोग एक लीगल ओपिनियन लीजिए और इमीजिएटली लॉयर से बात करने के बाद, अच्छा ऊपर का लॉयर से बात करने के बाद हमें इसका एक पिटीशन फाइल करना चाहिए, वो उसका खर्चा मैं देखूंगा ऑफिशियली। दूसरा, अगर पिपरा मौथा पावर में आता है इंडिया के सामने, मैं फिर से बोलूंगा कि मैं कोई ना कोई सिस्टम से कोई तरीका निकालूंगा कि आप लोगों को आपका नौकरी किसी भी तरीके से आपको मिल जाना चाहिए। और लास्ट, आपको सोचना है कि मैंने बात की, मैंने दो बात किया, एक डिमांड और सप्लाई का, गरीबी और अमीरी का, आपका बच्चा का भविष्य का, और दूसरा सिस्टम का। सिस्टम को मैं अकेला चेंज नहीं कर सकता, सिस्टम को अगर चेंज करना है, 70 साल से चल रहा है, 70 साल से चल रहा है, वर्ल्ड बैंक का रुपया आया, बिल्डिंग बनेगा, कॉन्ट्रैक्टर को रुपया मिलेगा, नेता को रुपया मिलेगा, आपको नौकरी के लिए पैसा नहीं है, आपका नौकरी को आपको नौकरी के लिए सिस्टम कोई पैसा नहीं है, लेकिन नया बिल्डिंग बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है, वही रुपया वापस जाता है आपके पास, कॉन्ट्रैक्टर वापस देगा, लोन ये पूरा सिस्टम है, आपको गरीब रखो लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा है, लेकिन नौकरी देने के लिए पैसा नहीं। मैं स्टेट गवर्नमेंट को बोलता हूँ मुझे थोड़ा पैसा दो, पुलिस मुझे नौकरी देना है, नहीं टाका नहीं, अच्छा बिल्डिंग बनाना ठीक है टाका, ये सिस्टम को हमको बदलना है 2023 में। अगर आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका सपोर्ट होना है तो मैं इस सिस्टम को बदलूंगा। मैं पॉलिटिक्स में पैसे कमाने के लिए नहीं आया, मुझे पॉलिटिक्स पसंद भी नहीं, मैं आया हूं क्योंकि मैं अपने आप से देख नहीं सकता कि हमारे लोग
में खराब कंडीशन में मैंने उतारा है। मुझे कोई शौक नहीं है एमपी चीफ मिनिस्टर या एमएलए बनने के लिए, लेकिन मेरा 100% इंटरेस्ट है कि अगर आपको नौकरी मिला और आपका जिंदगी अच्छा हुआ और मैंने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया तो महाराजा वीर विक्रम का सपना आधुनिक त्रिपुरा का, जिसमें नफरत नहीं है, जिसमें झूठ नहीं है, जिसमें हम सब अच्छे तरीके से जिंदा रह सकते हैं, वो पूरा होगा। और मुझे भी ऊपर से आशीर्वाद मिलेगा, मेरा ही परिवार से ऊपर आशीर्वाद मिलेगा। और आप ही बोल सकता है कि आपका दुर्भाग्य राजा नहीं है यार, हम मैं जानता हूँ मेरा मजाक उड़ा जाता है व्हाट्सएप में यूट्यूब में, मैं जानता हूँ मेरा सब मजाक उड़ा जाता है, मैं राजा नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं राजा का बेटा तो हूँ। और जो लोग आज सालों में है, मेरा दादा का फोटो, मेरा दादा का पिक्चर किताब देख के उसका नाम इस्तेमाल करके हिंदी बड़ा को इमोशनल बनाकर आज वो पावर में है, और वो हमको अगर सर्टिफिकेट बांटेगा कि आप उनका से प्यार नहीं करते हो, उनका कोई अधिकार नहीं है। मैं जब दिल्ली जाता हूँ तो मैं हाँ जी गुस्सा हम दिल्ली जाता हूँ बराबर हो की प्रथा के बारे त्रिपुरा के बारे ये नेता लोग जो दिल्ली जाते हैं वो लोग भी जाते हैं भीख मांगने के लिए। जब आप अपना जमीन के बारे में बात करना है तो जमीन का मालिक बन के बात करो। और आप लोग यहाँ जो है मैं आपको कमिटमेंट देना चाहता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं आपके लिए फाइट करूंगा। आपने मुझे बहुत प्यार किया, आपने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, और मैं पोस्ट के लिए, पैसे के लिए, लालच के लिए आपका प्यार का सौदा नहीं कर सकता। मैं सौदा नहीं करूंगा। I will not compromise on my commitment that I have given you. I thank once again everybody. आपने मुझे यहाँ निमंत्रण दिया, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मेरा कहना है हम भाई, और मैं आपको प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि इलेक्शन के बाद आप लोग भी इसके बाद मीटिंग कीजिए, कंडक्ट कीजिए, बात कीजिए, और मुझे चार या पांच आदमी का नाम दीजिए, यह महिला हो जुड़ी हो और मेरे साथ फाइट स्टार्ट्स नाउ। और ये डिमांड और सप्लाई का जो प्रॉब्लम है ना, इसको बंद करो, कि जब तक हम ये इसको बंद नहीं करेंगे त्रिपुरा में गरीबी रहेगा, डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, और ये डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए आपको सबसे पहले नौकरी दी जाएगी, और वो मैं आपको दूंगा अगर हमें पावर में। Thank you.